आकाशवाणी। हेलो 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 आकाशवाणी। जय श्री महाकाल। जय राम जी की। हेलो आकाशवाणी, स्वागत है आपका। मदन मालवी बोल रहा हूँ मैडम, जैसे परासिया ग्राम पंचायत हर रही वार्ड नंबर 13 खेरांजी। अच्छा अच्छा, और सुनाए मदन जी, करते क्या है? मैं सिम पोर्ट का काम करता हूँ जियो एयरटेल वीआई कंपनी में। ठीक है, और आगे क्या सोच रखे हैं अपने करियर को लेकर के? अभी चल रहा है ठीक है, और वैसे भी मैं दिव्यांग हूँ, मेरे को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। जी अच्छा मदन जी, तो हमने ये सुना है कि जो हमारे दिव्यांग जन होते हैं, दिव्यांग भाई बहन होते हैं, उनके पास कुछ विशिष्ट ऐसी बातें भी रहती हैं जो आम जनों के पास नहीं होती। मतलब मेरी जो सोच और मेरी जो याददाश्त है जी, वो बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। जी मैं जी काम कर ले रहा हूँ, मतलब ये बड़ी बात है। नहीं नहीं आप ना केवल काम कर ले रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे से काम कर ले रहे हैं। आप बताएं कि आकाशवाणी फोन आपने ही लगाया या किसी और से डायल करवाया? नहीं मैं ये लगाया, मोबाइल फोन में खुद ही चला लेता हूँ। फिर बताएं आप ना केवल काम कर ले रहे हैं बल्कि दूसरों से अच्छा कर ले रहे हैं। सोचिए हजारों लोग अभी फोन डायल कर रहे हैं आकाशवाणी का, लेकिन आपने पहले फोन लगा लिया। तो मदन जी आज आपको जी गाना कौन सा सुनवाएं? मेरे को गाना सुनना है मैम, मूवी का नाम है वारिश, गाना है मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। ठीक है, और मदन जी आप हमारे दूसरे भाई बहनों को जो दिव्यांग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन वे कैसे कर सकते हैं जरूर बताएं। वो कहते हैं कि भगवान यदि किसी से कुछ लेता है तो वो किसी को कुछ देता भी है। मेरे हिसाब से तो जितने भी दिव्यांग जन भाई बहन है वो सभी को अपने अपने हिसाब से इतना अच्छा अच्छा टैलेंट है जी, कि वो अपना आगे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैं को जानकारी बिल्कुल बिल्कुल आशा करता हूँ कि आगे भी अपना दिमाग इसी तरीके से चलाते रहें जी, और अपने कामयाबी का हाथ आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल मदन जी, क्योंकि अब पूरी तरह से सरकारी तंत्र भी दिव्यांग भाई बहनों के साथ है और उन्हें सभी आवश्यक सेवाएं सुलभ हो इसके लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल हम आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं, इसी तरह फोन करते रहे। नाम लेना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। धनेश्वरी, अंशु कोलारे, अंश कोलारे, धर्मवीर कोलारे, बंटू कोलारे, बंटी चाची, सुनील पाटरे, आनंद बेलवंशी, यश डेरिया, रवि भावर का, सरवन का कुड़िया। क्या बात है मदन जी, बहुत लंबा सर्कल है आपका। तो सभी को नमस्ते कहते हुए सबके लिए भेजते हैं ये गीत। नमस्ते। ओके मैम, हैव अ नाइस डे, विश यू द सेम, गुड डे। हेलो आकाशवाणी मैडम, नमस्ते। वार्ड नंबर 3 न्यूट्रल चिकित्सक टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम। नमस्ते टेकचंद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, दो लाइन बोलना चाहता हूँ मैडम। अरे चार बोलिए, आपको तो फोन लगा है आज। जी जी मैडम, कौन कहता है प्यार नशा बन जाता है, कौन कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो सच्चे दिल से तो वो प्यार ही जीने की वजह बन जाता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, क्या ये आपने खुद ने लिखी है? मैडम ये तो दूसरे लोगों से मिलते रहती है। जी जी, हम शायर तो है नहीं हम। भले ही आपका सिर्फ संकलन है, आपने उसको लोगों तक पहुंचाया है और आपकी भावनाओं से तो कम से कम वो जुड़ी हुई है। मैडम ठीक है, थोड़ा सा एक बात बोलना चाहता हूँ। आज मैडम हमारी शादी की 35वीं सालगिरह है। अरे भैया बधाई हो दोनों को। और सुख दुख में मैडम वो हमारे साथ है और हमारा आज भी इतना ख्याल रखती है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से उनका ख्याल रखते रहे और जिंदगी की गाड़ी यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ती जाएगी। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। टेकचंद जी आप गाना बताइए, कौन सा सुनेंगे? मैडम ये रात किरण आएगी, महेंद्र कपूर की आवाज है जी। मेरा प्यार वो है मर के भी तुमको जरा अपनी भाव से होने ना दे। बस मैडम स्वस्थ रहे, मत रहे, आकाशवाणी का आकाशवाणी छिंदवाड़ा का आनंद लेते रहे। जी बिल्कुल टेकचंद जी, आप भी खुश रहें, अच्छे रहें और यूं ही फोन करते रहे अपनी हर सालगिरह पे। और अब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ओके वेलकम, अब हम आपको गाना सुनवाएं। जी मैडम। अच्छा नमस्ते। नमस्ते मैडम। मेरा हेलो आकाशवाणी, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदय भान ठाकरे बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत उदय भान जी, और बताइए आकाशवाणी छिंदवाड़ा से कब से जुड़े हैं आप? तो कम से कम 20 साल तो हो गए मैडम, कम से कम 20 साल से जुड़े हुए हैं। तो अब आपने बहुत सारे परिवर्तन आते जाते देखे होंगे हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा में। सबसे पहले तो श्रोताओं को भी बताइए कि ये सकारात्मक परिवर्तन है आकाशवाणी में या नकारात्मक? सकारात्मक है बिल्कुल, यहाँ पे सभी उद्घोषक बहुत अच्छे से हैं जी, सबके फोन कॉल अच्छे से रिसीव करते हैं और यहाँ के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। उदय भान जी
ये जो फोन कॉल्स अच्छे से रिसीव हो रहे हैं ना, इसका क्रेडिट हम अपने इंजीनियर साहब को देते हैं। उनके कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हम इतने अच्छे से प्रोग्राम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। जैसे आज हमारे साथ इंजीनियर जी हैं अनिल सिंह जी। मैडम एक चीज और सबसे आपको बताना चाहता हूँ। बताइए ना। अभी 13-14 फरवरी को विश्व रेडियो श्रोता दिवस है। हाँ हाँ, इसकी सबको पहले हार्दिक बधाई हो जी। और इस वक्त मैं 13-14 फरवरी को भुवनेश्वर में एक रेडियो सम्मेलन में जा रहा हूँ मैडम। मैं अच्छा जी, 10वां विश्व रेडियो श्रोता सम्मेलन है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको पहले से ही पूर्व में ही, और आप अच्छे से आप उसको अटेंड करके आए, अपने अनुभव हमारे अन्य श्रोताओं के साथ भी फिर साझा करें। उदयमान जी, और अब बताइए आपको इस बार गीत कौन सा सुनाए? गीत सर मैडम मेरी एक पुरानी फिल्म है मन की आंखें। हाँ। और गीत के बोले दिल कहे रुक जा रे रुक जा। हाँ, तो इस बार इतना ही उदयमान जी, अगली बार के लिए छोड़ते हैं बाकी की बातें। जी मैडम, ऐसे मेरा भी यही कहना है सभी श्रोता कम टाइम करें और कम से कम 1-1.5 महीने के बाद फोन लगा कर सभी श्रोताओं को समय मिलेगा मैडम। हाँ बिल्कुल सही उदय भान जी, तो आप जब लौट के आए अपने टूर से तो बताइएगा फिर, है ना? ओके मैडम, धन्यवाद। हेलो आकाशवाणी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते। किसी अपना कहा जाए, किसी अपना कहा जाए, सही दिल तोड़ जाते हैं, सजा कर दिल की महफिल को अकेला छोड़ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, इन्हें ऐसी शुरुआत आप करेंगे तो फिर हमारे बोलने लायक क्या बचेगा। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, तो नाम बताएं। मैं ग्राम बा पोस्ट वक्तेना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज यानी उत्तर प्रदेश से विमल बात कर रहा हूँ मैं। विमल जी भाई, शायर लगते हैं आप। मैं तो जी आप लोगों का प्रोग्राम हमें शायर बना देगा ऐसी है बात असली है ना, मतलब क्रेडिट गोज टू अस, हम लोगों को पूरा श्रेय जाता है आपके गाने गुनगुनाने और शायरियों के पीछे। बहरहाल अपने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बताएं। जी मैम, मैं एक किसान हूँ और खेती करता हूँ, साथ में प्रोग्राम छिंदवाड़ा से जितने भी प्रसारित होते हैं सभी सुनता रहता हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे विमल जी, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं आप, है ना, आपसे ऊर्जास्वित माहौल हो गया आपसे बात करके। हर इंसान को एक मतलब एनर्जी भरा होना चाहिए, क्योंकि वो अपना तो काम करता है साथ में, जैसे वो कोई भी अपना काम कर रहा है, जैसे व्यवसाय है, कृषि है, कोई और ऑफिस वगैरह, फिर उसे थोड़ा सा एनर्जी होना चाहिए कि मनोरंजन ही वो एनर्जी हमें दे सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मनोरंजन करते करते, रेडियो सुनते सुनते आप अपने खेतों में काम करते हैं, इसलिए इतने खुश मिजाज हैं। बिल्कुल मैं अपना खुद का काम करता हूँ, इस समय मेरे खेत में गेहूं की फसल, सरसों और अरहर और आलू की फसल लगी हुई है, साथ में आप लोगों का प्रसारण सुनता हूँ। और इस समय हमारे खेत मतलब घर पे बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, कॉल भी लग गई। तो विमल जी को आज कौन सा गाना सुनाए बताइए? गीत से पहले 2 लाइनें पेश करना चाहता हूँ। और 2 लाइन चलिए बताइए। मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर हो जाए, मत मुस्कुराओ फूलों को खबर हो जाए, हम करें आपकी तारीफ और आपको ही नजर लग जाए, खुदा करे कि लंबी हो उम्र आपकी, खुदा करे लंबी हो उम्र आपकी और उस उम्र पर भी हमारी उम्र लग जाए। क्या बात है, चलिए अब बस आप हर बार मुस्कुराहट को खुशियों से ना जोड़ें, आप ये सुन लें कि हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, इस तरह गर्दिशी दौरा को रुलाया मैंने। आप बताइए गाना कौन सा सुनाए आपको? जी बिल्कुल, मूवी का नाम रहेगा दामिनी, इसी में एक सॉन्ग है सच्चा आशिक है तो लौट के फिर आएगा, तेरा प्यार नशा है तो उतर जाएगा। बस ये बस विमल जी, धन्यवाद आपने फोन किया, अब आपको गाना सुनाते हैं। थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार दीदी, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से। कैसे हो मैम आप? हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं? जी हम भी एकदम बढ़िया है, काम वाम भी बढ़िया चल रहा है, और आपके छिंदवाड़ा के प्रोग्राम हम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा, और सबसे अच्छा तो यही प्रोग्राम अच्छा लगता है, ये हेलो आकाशवाणी वाला। राम बाबू जी, आप भोपाल में भी फोन करते होंगे, तो वहाँ ज्यादा प्यार से बात करते हैं कि हम लोग ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं, ये बताइए। नहीं नहीं, वो भी अच्छे से करते हैं और आप भी अच्छे से बात करते हैं। सेफ साइड लेके चल रहे हैं, किसी एक की तारीफ करेंगे नहीं आप। और सुनाइए राम बाबू जी। बिल्कुल बढ़िया है, मैं फोन लगा रहे थे तो फोन लग भी गया, फिर मैं आपसे बात भी हो गई। हाँ ना, हमें भी अच्छा लगा। अब गाना सुनवाएं आपको? हाँ जी बिल्कुल, फिल्म है तफना, चांद सिफारिश करता हमारी। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
जी मैं अनिल कुमार डेहरिया बोल रहा हूँ। मैं तुम ग्राम रिंजिडाना डोडिया से। क्या करते हैं जी? मैं खेती किसानी का काम है मैडम, और समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं जन अभियान परिषद के द्वारा। अच्छा, बहुत खुशी हुई। तो आप अभी जन अभियान परिषद में चूंकि वर्तमान में कार्यरत हैं, वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप विकसित भारत यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी मैडम, विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत भी हमने उसमें सहयोग किया है, और सभी ग्रामवासी जो जिनको किसी कारणवश किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया, उनको भी हमने लाभ दिलाने की कोशिश की है। जी जी बिल्कुल सही। सभी विभागों के प्रमुख वहां पर पहुंच रहे हैं, गांव-गांव जा करके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और यदि कोई भी ऐसी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और नहीं ले पाए हैं किन्हीं कारणवश, तो वह सब वहां पहुंचकर आवेदन ले रहे हैं और आपको उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। जी जी मैडम, सारी योजनाओं की जानकारी और सभी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं हम ग्रामीण जनों को। बहुत बड़ी बात है कि आप खुद लाभान्वित होने के लिए प्रयासरत नहीं है बल्कि दूसरों की मदद कर रहे हैं। जी जी, ये एक सराहनीय कदम है। अब अनिल जी आपको गाना सुनाए। जी मैडम, गाना सुनवा दीजिए। अभी जैसे ठंडी का मौसम है तो हुस्न पहाड़ों का वो गाना मुझे बहुत पसंद है, और अभी ठंडी का मौसम भी चल रहा है तो इसीलिए बिल्कुल आप ये सुनेंगे ना। शुक्रिया जी। बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, बच्चों को चूंकि परीक्षा का समय नजदीक है तो अपना उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को परीक्षा संबंधी उनके मन में जो डर है ऐसी बातों से भी उनको अवगत करा, परीक्षा संबंधी उनके मन में जो डर है ऐसी बातों से भी उनको अवगत कराया जाता है। और बिल्कुल सही, आज तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे होंगे सुरेश जी, तो आप भी और उनके पेरेंट्स से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे सभी अभिभावकों से कि उनकी डिक्शनरी से, जीवन की डिक्शनरी से स्ट्रेस और डर जैसे शब्दों को निकाल दें, और उन्हें ये बताएं कि जिस तरह से आप खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देने की खुशी खुशी कोशिश करते हैं, वैसे एग्जाम में डू योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें। और अब सुरेश जी, अब तो गीत अपनी पसंद का बता ही दीजिए। थोड़ा सा मैं थोड़ा सी आपसे एक बात और करना चाहूंगा कि जितना ध्यान मतलब शिक्षक बच्चों का स्कूल में रखते हैं, हाँ, तो उसका सार्थक परिणाम तभी निकलता है जब बच्चों के गार्डियंस और उनके जो पालक हैं, हाँ, वो बच्चों के प्रति उनकी पढ़ाई पर और वो क्या फोकस कर रहा है, कितना समझ पा रहा है, पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहा है, इन तमाम बातों का अगर पालक भी ध्यान रखेगा तो जो बच्चे की सीखने की और समझने की जो भी क्षमता है उसमें निश्चित रूप से निखार आएगा। तो मैं पालकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर अपने बच्चों का भी ध्यान ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। देखिए सुरेश जी, हर महीने में एक निश्चित तारीख रहती है जब शिक्षक पालक संघ की मीटिंग होती है, तो आप चाहे तो आप यह बात अपने जो बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता से डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि वो उन बच्चों की पढ़ाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उनका सहयोग करें, और आपका ये संदेश तो रेडियो के मार्फत उन तक पहुंच ही रहा है। बहरहाल अब तो आप अपनी पसंद का गाना हमें लग रहा है बता ही देंगे। हाँ, गाना भी बता दूंगा, और गाना बताने के पूर्व भी कुछ चंद लाइनें आपको सभी श्रोताओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद पसंद बता रहा हूँ। अरे बता दीजिए, आप तो शर्तों पे हैं आज, बताइए। संदेश ऐसा है कि रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती जी, जो भी खुशी मिले जीवन में उसका इंतजार किया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। क्या बात है सुरेश जी, अब आप जल्दी से हमें अपनी पसंद का गाना बताइए। जी जी बिल्कुल, फिल्म का नाम रहेगा मैडम सन्यासी, और उसमें एक बहुत ही प्रेरणादायी गीत है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रही इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। थैंक यू, आपको बहुत ही सारगर्भित आपसे बात हुई। जी आपको भी धन्यवाद सुरेश जी, और अब गाना सुनने के लिए तैयार। कुदरत की खूबसूरती, सुहाने मौसम, हंसी ख्वाबों और कुछ जिंदगी की तालीम, शिक्षा, सब आज इन सुंदर गीतों के सफर के मुकाम रहे। उम्मीद करते हैं आपने पूरा लुत्फ लिया होगा इस सफर का। कैसा लगा ये साथ जरूर बताइएगा। वाणी को आपके मैसेजेस और खतों का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगले सफर पर चलने की तैयारी भी तो आपको ही करना है। जी हाँ, उठाइए फोन और डायल करें हमारे स्टूडियो का नंबर। हमारा नंबर है 8989116346। बहरहाल आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम को बनाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर श्री अनिल सिंह जी ने। फिलहाल दीजिए इजाजत, वाणी शुक्ला को नमस्कार।